तो देखिए हिडमा के मारे जाने की खबर है और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर फिलहाल कुछ जवान जरूर घायल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। धमतरी दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, सीएम बघेल के कार्यक्रम का दूसरा दिन है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जहाँ भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है मुख्यमंत्री का। धमतरी दौरा आज रहने वाले हैं मुख्यमंत्री बघेल का, जिसका कार्यक्रम लगातार आज रहेगा। सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। आज सीएम विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सिहावा में अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे, मंदिर दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो मंदिर में जाकर दर्शन भी वो कर सकते हैं। तो सिहावा में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। धमतरी दौरे पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं। धमतरी दौरा चूंकि लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम उनका जारी है और इस कार्यक्रम के तहत आज अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत धमतरी जिले के सेनानी गौरव ग्राम खिसोरा पहुंचे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने गांव के ईष्ट देवता के मंदिर पहुंचकर भगत बाबा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम ने गौरव ग्राम के 6 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्ति का अनावरण किया। खेल मैदान में लोगों से उन्होंने भेंट मुलाकात की और जनता से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही क्षेत्रवासियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने कई सौगातें भी दी। किशोरा में बस्ती पारा में नवीन प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कराया जाएगा, ठीक सरपंच साहब। किशोरा बाला तालाब का सौंदर्यीकरण, ठीक है, जोर से ताली बजा। और किशोरा में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति नया भवन बनाया जाएगा। करेली बाड़ी को उप तहसील का दर्जा दिया जाएगा और ग्राम पंचायत मोतीमपुर में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। सिंहपुर क्षेत्र के बूढ़ीगढ़ पर्यटन स्थल में सोलर ड्यूल पंप की स्थापना की जाएगी और ग्राम पंचायत सिंहपुर में देवगुड़ी निर्माण एवं मरम्मत कराया जाएगा। सेनानियों का गांव और उसे नमन करने का मुझे अवसर मिला। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सभी किसानों ने धान खरीदी के बारे में भी संतोष व्यक्त किया और सारे जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के सारी राशि सबको मिली है। उसी प्रकार से भूमि श्रमिक न्याय योजना का लाभ मिल रहा है, गोधन न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं वनाधिकार पट्टा मिलने के बाद स्वीकार किया गया, साथ ही जाति प्रमाण पत्र नागरिक जाति में संगति थी उसके बारे में मैंने निर्देश दिया है। यदि वो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं और यदि उनके पास 50 साल का दस्तावेज नहीं है तो सर्वेकरण हम लोगों ने किया कि ग्राम पंचायत या ग्राम सभा उसे पारित कर दे, निश्चित रूप से जाति प्रमाण पत्र पाने में दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी दौरे पर रहे जहां उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत की। इसी दौरान सीएम बघेल ने एक आदिवासी किसान के घर जाकर भोजन किया।